कर दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एक छोटी सी बात, जब हम किताब पढ़ते हैं, कोई भी हो, वो पढ़ाई का हो या सेल्फ हेल्प बुक्स हो या कोई नॉवेल्स हो या कुछ भी हो, उसको अच्छी तरह से कैसे पढ़ा जाए। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जब एक किताब किसी ने रेफर करते हैं कि ये बुक बहुत अच्छा है, चाहे वो आपका मोटिवेशनल बुक हो, लिटरेचर हो, नॉवेल्स हो या स्टडी का रेफरेंस बुक्स हो, तो स्टार्टिंग में हम बहुत जोश के साथ उस किताब को पढ़ना चालू करते हैं और 2, 5, 10, 20 पढ़ने के बाद हमारा जो मोटिवेशन है, हमारा जो एंथुजियाज्म है, वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है। एंड उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि वो किताब इनकम्प्लीट हो जाता है। तो अभी द क्वेश्चन यही है कि कैसे एक किताब को कंप्लीट किया जाए। बेसिकली ये जो चीज है, इट्स रिलेटेड टू आवर कोर पर्पस और द वाई। हम अगर कोई भी किताब पढ़ने से पहले ये जान ले कि हमें वो क्यों पढ़ना चाहिए, वाई द रीजन और द पर्पस फॉर रीडिंग दैट पर्टिकुलर बुक, वो किताब, एक बार अगर हम इसके बारे में ध्यान से सोच ले, समझ ले, उसके बाद अगर हम किताब को पढ़ना चालू करें, तो यही फायदा होगा कि जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। यानी बिफोर रीडिंग ए बुक, आस्क योर सेल्फ वट इज द पर्पस और द रीजन फॉर रीडिंग दिस पर्टिकुलर बुक। वंस द पर्पस और द रीजन इज क्लियर टू यू, उसके बाद आप अगर उसको पढ़ना चालू करोगे तो उसका जो मोटिवेशन है या इंस्पिरेशन है वो शॉर्ट लिव्ड नहीं होगा, बिकॉज रीडिंग दैट पर्टिकुलर बुक इज एसोसिएटेड विथ द कोर पर्पस वाई। व्हेन वाई इज बिगर, हाउ विल ऑटोमेटिकली कम। यानी एक मोटा सा बुक है, जनरली अगर जो लोग पढ़ने में इतना ज्यादा हैबिचुएटेड नहीं है, और स्पेशली कॉलेज एजुकेशन के बाद जॉब या प्रोफेशन में घुस जाने के बाद देर इज अ लॉन्ग गैप, लाइक मी, मेरा भी काफी गैप हो चुका था कि मीन्स रीडिंग के साथ। तो क्या होता था, जैसे ही हम मैं एक पेज पढ़ लेता था, दूसरा पेज में आता था, ऑटोमेटिक मेरा नींद आ जाता था। इवन द इम्पोर्टेंट सर्कुलर्स, इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन मेल्स, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दैट इज रिलेटेड टू आवर प्रोफेशन, दैट इज माई ऑफिस रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस, इवन आई यूज टू एस्केप। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता था कि मैं अपने कोर पर्पस से भटक जाता था। उसका मेन रीजन यही है कि हैबिट मैंने जीरो कर दिया था। उसके बाद मेरे को किताब पढ़ने के लिए काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ज्यादातर मेरा किताबें इनिशियली 10 पेज, 20 पेज, 50 पेज पढ़ने के बाद बंद, कभी भी मैं कंप्लीट करता नहीं था, इनकम्प्लीट रह जाता था। तो जैसे ही मैंने ये टेक्निक यूज करना चालू किया, व्हाट इज द रीजन, एक किताब मैंने लिया, ये किताब मैंने क्यों लिया, ये किताब पढ़ने से मेरा क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा। नुकसान तो जनरली किताब पढ़ने से नहीं होता है, जस्ट फॉर बात रेफरेंस पर्पस में मैं बोला, द मोमेंट योर कोर पर्पस इज क्लियर, योर वाई इज क्लियर,
तो क्या होगा, आप देखोगे वो किताब और धीरे धीरे आप कंप्लीट कर लोगे। तो आज का जो छोटी सी बात है कि हाउ टू कंप्लीट ए बुक फॉर दैट पर्पस, बिफोर स्टार्टिंग दैट पर्टिकुलर बुक और बिफोर परचेजिंग दैट पर्टिकुलर बुक, आस्क योर सेल्फ वॉट इज द पर्पस और द रीजन फॉर रीडिंग दैट पर्टिकुलर बुक, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प मी, मेरे को कैसे हेल्प करने वाला है ये पर्टिकुलर बुक। वंस दैट इज क्लियर एंड इट इज फिक्सड इन योर माइंड, तो आप देखोगे जैसे तैसे करके आप उस किताब को कंप्लीट कर ही लोगे। एंड जैसे ही आप एक किताब कंप्लीट कर लिया, फिर दूसरा किताब आपने चालू किया, वो उसको भी कंप्लीट कर लिया, फिर 10वीं किताब, फिर 20वीं किताब, एंड इन दैट वे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका जो रीडिंग हैबिट्स है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। एंड आपका रीडिंग हैबिट्स जब काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, आप टेलीविजन सीरियल्स, मैचेस, मूवीज, ये सब में ज्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए उसके जगह पे आप रीडिंग में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे। रीडिंग में आप जैसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो इंटरनल ग्रोथ है वो बहुत बढ़ जाएगा। बेसिकली व्हाट इज बुक, इट इज द एक्सपीरियंस दैट इज रिटन डाउन बाय द ऑथर। अभी जो ऑथर एक लिखते हैं, बेसिकली उनके लाइफ का 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का एक्सपीरियंस उस किताब में डालते हैं। हमें अगर वही लर्निंग लेसन्स करना है तो हमें भी, अगर प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस करना है तो हमें भी 10 साल, 20 साल, 30 साल स्पेंड करना होगा। लेकिन अगर हम उस किताब को पढ़ते हैं, दैट मीन्स वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रीडिंग द एक्सपीरियंस दैट द ऑथर हैज गॉन थ्रू, तो हमारा भी उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस का काफी कुछ हमें ज्ञात हो जाएगा। एंड वी विल लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर। दैट इज वाई द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग, विच इज मच मोर सुपीरियर देन वॉचिंग टीवी, वॉचिंग सीरियल्स, वॉचिंग मूवीज, स्पेंडिंग अनप्रोडक्टिव टाइम ऑन अदर एक्टिविटीज। इसीलिए अगर किताब पढ़ना है तो फर्स्ट चैलेंज यही है कि बुक को कैसे कंप्लीट किया जाए। एंड फॉर दैट पर्पस, बिफोर स्टार्टिंग द बुक, आपको ये ध्यान में देना है कि व्हाई आई वांट टू रीड दिस पर्टिकुलर बुक, पर्पस क्या है, रीजन क्या है, मेरे को क्या हेल्प करेगा, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प मी आउट। जितना ज्यादा वाई स्ट्रॉन्गर होगा, बिगर द वाई इजियर द हाउ, यानी बिगर द वाई फॉर रीडिंग दैट पर्टिकुलर बुक, इजियर विल बी द वे यू रीड द बुक, द वे यू फिनिश द बुक। तो अभी के लिए इतना ही, आप सभी को नमस्कार।